विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गोलघर स्थित काली मंदिर के समक्ष हवन कर वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए दुआ मांगी। इस संबंध में विश्व हिंदू महासंघ के महानगर अध्यक्ष राधाकांत वर्मा ने कहा कि पूरे देश में कोरोना जैसे राक्षस का धरती पर अवतरण हो चुका है। जब वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं तो हम भगवान के शरण में जाते हैं। जब भी राक्षसों का धरती पर अवतरण होता है तब महाकाली उनका नाश करती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के महानगर अध्यक्ष राधाकांत वर्मा ने कहा, जय नमः स्वाहा, ओम सर्व मंगल मांगल्ये सर्वे सर्वार्थ साधिने सर्वे लक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्र विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात्। राधाकांत वर्मा, जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ गोरखपुर। आज विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में जब पूरे भारत के अंदर आज कोरोना जैसा राक्षस रूपी जो धरती पर अवतरण हो चुका है, जो अदृश्य है और पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया है, हर तरफ अपना तांडव फैला रखा है, हम जब वैज्ञानिक जब इससे फेल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं। और आज जो सनातन धर्म के आश्रय लिए हुए, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, जो पुराण कहता है कि जब भी राक्षसों का धरती पर अवतरण हुआ है तो महाकाली भद्रकाली ये अवतार ले करके ऐसे राक्षसों का नाश करती हैं। आज हम लोग उन्हीं का आश्रय ले करके आज हम लोग यहाँ पर चंडी महायज्ञ कर रहे हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से शिव महापुराण का पाठ होगा, रामायण का पाठ होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा और इस तरह अनवरत हम लोग धार्मिक अनुष्ठान करते रहेंगे, जिससे कि हम लोग यहाँ से कोरोना जैसे राक्षस का नाश हो और जगत के कल्याण हेतु हम लोग यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि जगत का कल्याण हो। इसके साथ भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए काली जी के मंदिर पर आज हम लोग हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं।